विश्व ऐतिह्य दिवस समस्त ऐतिह्य स्थल गुड़िकर पुनरुद्धार सुरक्षा संरक्षण सह प्रचार प्रसार करने एही दिवस मुख्य उद्देश्य हेले समग्र राज्यर एक प्रमुख ऐतिह्यस्थळी भाव विवेचना करा बालेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉक ओलमरा निकटस्थ रायबणिया दुर्ग प्रति सरकारी अवहेला ऐतिह्य प्रेमी मन को व्यथित करुछि। लांगुला नरसिंह देवंक राजत्व बेले रायबणिया दुर्गर आधुनिकीकरण करा एही दुर्ग को पूर्व भारतर शेष स्वाधीन दुर्ग बोली कहुजाय। कटकर बारबाटी दुर्ग ठारु एहा बृहत ओ अधिक समृद्ध थिला। सुवर्णरेखा नदी एही दुर्ग को तीनपटु घेरी रही बेले सामरिक दृष्टिकोण रु एहार बेस गुरुत्व थिला। कुहाजाए 1234 रु 1264 ख्रीष्टाब्द मध्यरे दुर्ग को हस्ती अश्वारोही सह लक्षे सैन्यक प्रशिक्षण केन्द्र भाव व्यवहार होता। विदेशी शत्रु कबल रु उत्कल ओडिशा को सुरक्षा देवाई दुर्गर मुख्य भूमिका थिला। दुर्ग निकटने 18 छोट छोट दुर्ग रही ऐतिहासिक मान मत दिखती विशेषकर बाह्य शत्रु आक्रमण समय सुडंग पथ दे दुर्गर जीवा आसवाई व्यवस्था रही। दुर्गर चारिपटे 7 गड़खाई पाचेरी रही। ऐतिहासिक रायबणिया दुर्गर सुरक्षा तथा पुनरुद्धार पर सरकारी स्तर में अनेक योजना विशेषकर प्रवेश द्वार सुसज्जित तोरण निर्माण और पानीय जल जोगाण व्यवस्था नहीं काम आरंभ हो। दुर्ग को पर्यटन स्थल मान्यता दी जाते भी एठारे पीवा पा विद्युत व्यवस्था आज जाए होना पर्यटकों रही पांथ नवास कि उद्यान ना। 5 वर्ष ते संस्कृति विभाग पक्ष जगन्नाथ मंदिर ढांचे तैयारी आरंभ हो दुर्गर शेष अंश अधा गढ़ा हो पड़ रही जहाद्वारा एठाक आसुवा पर्यटक और ऐतिह्य प्रेमी निराश होपरी समय दुर्गर सुरक्षा और यह ऐतिह्य मान्यता प्रदान विभिन्न महल दाबी हो। अन्यपटे दुर्गर भग्नावशेष स्थान को खनन कले अनेक रहस्य उन्मोचन हो पारंता बोली ऐतिहासिक माने मत रखिछन्ति। जलेश्वर सत्यव्रत प्रधान और ओलमरारू अश्विनी दास का रिपोर्ट संबाद डिजिटल।